सर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में जहां हम लोग बात करने वाले दी बजाज चेतक आपका अर्बन मॉडल के बारे में और आपका टॉप एंड प्रीमियम मॉडल के बारे में। इन दोनों में क्या कुछ फीचर डिफरेंस मिल जाते हैं, ऑल्दो अगर प्राइस की बात करते हैं, आपका प्रीमियम मॉडल जाता है टॉप एंड 147,000 जो है एक्स शोरूम है, वही अगर आप जाते हैं अर्बन मॉडल में तो 123,000 जो है एक्स शोरूम आता है। तो अगर गैप डिफरेंस की बात करते हैं 23,000 जो है गैप डिफरेंस आता है। तो क्या कुछ कंपनी फीचर एड ऑन कर देती है प्रीमियम में अगर आप शिफ्ट करते हैं, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा टू दी पार्टनी चेतक के कामठी रोड नागपुर, जिन्होंने हमें ये बाइक प्रोवाइड की है, बेसिकली स्कूटी प्रोवाइड की है फॉर द रिव्यू। तो इन केस इफ यू लुकिंग फॉर अ ब्रांड न्यू बजाज चेतक यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या कुछ फीचर आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों की से शुरुआत करते हैं, क्या कुछ आपको कीज में जो फीचर्स मिल जाते हैं। बेसिकली कोई अनलॉक लॉक अनलॉक का बटन नहीं है, ये सेंसर बेस की है। बेसिकली कीलेस एंट्री फीचर आपको प्रोवाइड करती है बजाज चेतक, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे फील होती है दोस्तों, इंडिकेट करती है। और दोनों ही कीज़ जो है ना सिमिलर ही आती है, कोई चेंजेस नहीं, चाहे आप अर्बन में जाइए या फिर प्रीमियम में जाइए। तो मेजर चेंज क्या कुछ फील होता है, देखिए दोस्तों जो कि मेजर चेंज दिखाई में आता है वो तो हम डिस्कस करेंगे, जो टेक्निकल वाइज है उसको भी डिस्कस करेंगे कि मेजर चेंज क्या है। तो 23,000 अगर जाते हैं, देखिए ज़्यादा आपको देना पड़ता है प्रीमियम मॉडल में अगर स्विच हो रहा है, 23,000 में आपको क्या कुछ कंपनी चीज़ें ऐड ऑन करके यहाँ पे दे रही है। तो अगर फ्रंट की बात करें लुक्स के बारे में, तो दोनों की लुक ऑल दो सेम है, दोनों की जो है बिल्ड क्वालिटी सेम है, दोनों की लेंथ डायमेंशन सेम है, गाड़ी की टेक्निकल स्पेक्स ऑलमोस्ट पूरे सेम है। तो क्या कुछ चेंज है यहाँ पे, चेंजेस यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से है कि आपको बिल्कुल ही माइनर तरीके से फील होंगे चेंजेस। जैसे यहाँ पे हेडलैम्प देख रहे हैं वाइट एलईडी के साथ में, इसमें भी सेम मॉडल में आता है और इसमें भी वाइट एलईडी हेडलैम्प के साथ में डे टाइम रन लाइट फंक्शन आता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इंडिकेटर्स आपके भी दोनों मॉडल में आते हैं। चेंजेस है इसके अंदर फ्रंट में आपके जो है ब्रेक्स यहाँ पे आता है आपके पास में ड्रम ब्रेक, और वही प्रीमियम में जाते हैं तो आपके पास में जो है आपके पास में डिस्क ब्रेक आ जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे मेजर चेंज है। 14 इंचेस 12 इंचेस के जो है व्हील साइज है, अलॉय व्हील दोनों में आते हैं और यहाँ पे भी अलॉय व्हील है सेम पेंटेड के साथ में, तो वो चीज़ यहाँ पे फील होती है। अभी स्ट्रेट अवे चलता हूँ मीटर की तरफ लेके, क्योंकि यहाँ पे मेजर चेंज आपको फील होगा। सिंगल टैप करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पे सारे चेकलाइट देखने को मिल जाता है और इस तरीके का लगता है आपका मीटर। अभी के लिए मैंने पन्नी निकाल दी, बाद में वापस लगा देंगे, कस्टमर की गाड़ी है। तो यहाँ से आप क्या कुछ एक्सेस कर सकते हैं, इंडिकेटर्स आपके पास में हॉर्न का है और आपके हेडलाइट के कंट्रोल्स है, और फोन कनेक्टिविटी दोनों ही मॉडल में आप कर पाएंगे फोन से अगर कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं। या आपका एक्सीलेटर है, ब्रेक है, अगेन ब्रेक आपके पास में ड्रम है, दोनों में सेम मिरर मिल जाते हैं, उसमें बदलाव नहीं है। कि दोनों की अगर कीज बात करते हैं, यहाँ पे जो आपके बटन्स दिए हुए स्विच दिए हुए तो वो भी वाइट एलईडी के इल्यूमिनेशन के साथ में आते हैं, तो दोनों के ग्लॉसी बटन्स है, उससे भी ऑल्दो कोई शिकायत नहीं है। लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो है बूट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, तो बूट ओपन कर लेता हूँ। दोनों का जो है बूट साइज़ भी एकदम एग्जैक्ट सेम है, ऐसे उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेदर सीट आपके पास में दोनों में मिल जाती है, और बूट साइज़ देख लीजिए क्या कोई फील होता है। यहाँ पे आपके पास में एक लैम्प दिया हुआ है बूट लैम्प, तो एक बेटर चीज़ यहाँ पे है। चार्जिंग सॉकेट आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों, तो दोनों में जो चार्जिंग सॉकेट वगैरह सेम आते हैं, और आप इसको प्रेस करना डायरेक्टली बंद हो जाएगा, तो बीप साउंड जो है यहाँ पे बंद हो जाएगा। रिवर्स मोड है, ड्राइव मोड है, दोनों में ही जो है स्पोर्ट मोड आता है और आपका इको मोड आता है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। रियर लुक की बात करते हैं तो एज इट इज दोनों सेम लगती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों। अभी जो बॉडी गार्ड देख रहे हैं सिल्वर के अंदर, ये कंपनी के एंड से नहीं आता है, ये आपका एक्सेसरीज पार्ट है तो इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे आप फुट रेस्ट देख रहे हैं तो ये भी आपका जो है एक्सेसरीज पार्ट है। डबल मिड स्टैंड डबल स्टैंड देख रहे हैं, आपका जो भी एक्सेसरीज पार्ट है, तो वो चीज़ यहाँ पे दोस्तों फील होती है। अब चलते सीधे सीधे टेक्निकल लैंग्वेज की तरफ कि भाई टेक्निकली क्या कुछ बदला हुआ है। तो मेजर चेंज आपका बताया मैंने ब्रेक्स, अब यहाँ पे मेजर आप प्रीमियम में जाएंगे तो अपग्रेड क्या होगा तो बता देता हूँ। तो प्रीमियम में आपके जो है स्विचेस भी प्रीमियम हो जाएंगे दोस्तों, देखिए किस तरीके की जो है स्विचेस यहाँ पे कंपनी आपको यूज़ करके दे रही है। थोड़े बिगर साइज स्विच है और थोड़ा सा मीटर को भी चेंज किया यहाँ पे। एलसीडी डिस्प्ले आपको कंपनी बेसिकली यहाँ पे ऑफर करती है, थोड़ा सा इसके भी आपको पहले निकाल के दिखाता हूँ, फिर आपको डेफिनेटली फील आ जाएगा। तो आप बेसिकली यहाँ पे थीम बदल सकते हैं इसकी, न्यूट्रल राइड है, रेंज है आपके पास में, बैटरी ऑल तो कितनी वोल्टेज चल रही है, तो आप किलोमीटर राइड कितनी होगी, तो ये सब चीज़ें आपको जो है यहाँ पे फील होगी। दोस्तों सेटिंग्स में जाएंगे, आपके पास में व्हीकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, डिस्प्ले है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, सेटिंग्स है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन अगेन, तो ये सब चीज़ें आपको जो है यहाँ पे फील होती है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो और इसको आप इन्जॉय कर सकते हो, तो प्रीमियम वाला फील यहाँ पे डेफिनेटली आता है दोस्तों। अगेन यहाँ पे सेम कंसोल आपके पास में जो है, यहाँ पे स्टोरेज प्लेस दिया हुआ है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपके पास में अवेलेबल है, ये सेम आपके पास में स्पेस दिया हुआ है, तो कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। अब चलिए टेक्निकल की बात करते हैं, क्या कुछ चेंजेस यहाँ पे टेक्निकली वाइज जो है गाड़ी के अंदर फील होता है। दोस्तों दोनों की रेंज की अगर बात करते हैं तो आपका जो है अर्बन मॉडल जाता है 113 किलोमीटर जो है रन कर सकता है सिंगल चार्ज के ऊपर, वही अगर आप प्रीमियम में जाना चाहते हैं तो प्रीमियम जाएंगे तो 126 किलोमीटर जो है एक सिंगल चार्ज पे आपकी गाड़ी चलेगी, तो वो चीज़ यहाँ पर डिफरेंस है। वही अगर गाड़ी की पावर की बात करते हैं और ऑलमोस्ट टॉप स्पीड की बात करते हैं तो 73 किलोमीटर जाएगा आपका प्रीमियम मॉडल, वही अर्बन पे जाएंगे तो 63 किलोमीटर जाएगी ये टॉप स्पीड इसकी आपका अर्बन मॉडल।
प्रीमियम मॉडल बेसिकली जाएगा, सॉरी, आपका 73 किलोमीटर और अरुण जाएगा आपका 63 किलोमीटर टॉप स्पीड। तो वो चीज़ यहाँ पे, दोनों की स्टील बॉडी है। चार्जिंग की बात करते हैं तो आपकी कीज जो है बेसिकली चार्ज का टाइम रहेगा 430 मिनट्स रहेगा आपका प्रीमियम मॉडल का, और 450 मिनट्स चार्ज का टाइम लेगा आपका अर्बन मॉडल। तो ये चीज़ यहाँ पे चेंज होती है। डिस्प्ले ड्रम का मैं बता चुका हूँ, 5.5 इंचेस का TFT डिस्प्ले में आ जाता है। अब वही बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं, 3.2 किलोवाट का चार्जिंग आ जाता है इसके अंदर प्रीमियम मॉडल के अंदर। वही अगर आप अर्बन में स्विच कर रहे हैं तो 2.88 किलोवाटर का आपके पास में जो है पावर का यहाँ पे चीज़ रहेगी, बैटरी का बेसिकली चेंजेस रहेगा। दोस्तों प्रीमियम मॉडल में जाएंगे ना आप तो आपको फिर नेविगेशन सिस्टम मिल जाएगा यहाँ पर, जो कि आपको अर्बन मॉडल में नहीं फ्री मिलेगा। तो वो सब चीज़ है। कॉल म्यूज़िक कंट्रोल आप डेफिनेटली कर सकते हैं दोनों मॉडल के अंदर ही। और अगर एक नोटिफिकेशन अलर्ट की बात करते हैं तो आपका प्रीमियम मॉडल में एक्स्ट्रा आता है, उसी के साथ में ट्रिप एंड डेटा एनालिस में करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा आपको चीज़ मिल जाती है। जियो फेंसिंग दोनों में आ जाता है आपके पास में। डिस्प्ले थीम आप इसके अंदर चेंज कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर आपका जो डिस्प्ले है वो आपका कलर डिस्प्ले है, LCD डिस्प्ले, और इसके अंदर नॉर्मल है। थीम बेसिकली आप चेंज कर पाएंगे इसका अंदर। वही अगर वारंटी की बात करते हैं दोस्तों, जो है आपकी स्टैंडर्ड वारंटी 3 ईयर्स 50,000 किलोमीटर की जो है आपकी स्टैंडर्ड वारंटी कंपनी क्लेम करती है। तो ये कुछ फीचर्स है दोस्तों जो कि दोनों मॉडल के अंदर जो है चेंजेस आते हैं। इन डिटेल में आपको मैं वीडियो में बता चुका हूँ क्या कुछ चेंजेस के अंदर आपको फील होते हैं। LED लाइट दोनों में सेम आते हैं, पावर वगैरह सेम है। तो आपको अगर लगता है कि अगर 23,000 आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, इतने फीचर आपको नहीं चाहिए, आपको इतनी रेंज नहीं चाहिए, इतनी आपको टॉप स्पीड नहीं चाहिए, तो आप फिर अर्बन मॉडल में चले जाइए। अर्बन मॉडल आपको बता दिया 63 किलोमीटर जो है टॉप स्पीड इसकी आती है, उसकी 73 किलोमीटर है, तो रेंज का भी जो है डिफरेंस आता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मुझे पूछते कौन सा है, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अर्बन ले लीजिएगा। अर्बन सिटी पर्पज़ के लिए बढ़िया गाड़ी है, रेंज भी बढ़िया आपको मिल जाती है, स्पीड भी आपके पास में अच्छी खासी है सिटी पर्पज़ के लिए। वही अगर आप थोड़ा हाईवे पर क्रूज करते, थोड़ा स्पीड आपको ज़्यादा चाहिए यहाँ पे, तो फिर आपको जाना पड़ेगा प्रीमियम मॉडल में, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी की ऑल्दो टॉप स्पीड भी यहाँ पे बढ़ जाती है बेसिकली। तो वो सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पे फील होती है। तो मिलते हैं ऐसे ऑटोमोबाइल कंटेंट के अंदर, तब तक के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।